نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. क्या सीख रहे हम आजकल? मूसा अलैहिस्सलाम की बातें, मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जो लर्निंग पॉइंट आप सीख रहे हैं रोज माशाल्लाह से, तो कोशिश किया करें कि वो पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट्स ही ना रह जाएं, उनको अपने आप पर अप्लाई करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। हम पढ़ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पे गए अल्लाह ताला से बात करने के लिए, पीछे से उनकी कौम बिगड़ गई। बिगड़ पे क्या किया था? गैरुल्लाह की इबादत करने लगी। एक बात हमेशा याद रखी कि शैतान सबसे पहले डाका आपकी तौहीद पे डालता है। कभी किसी के सामने सजदा करवा देता है, और कभी किसी की मोहब्बत में, अकीदत में, एहतराम में इस कदर पागल कर देता है कि इंसान अल्लाह को भूल कर गैरुल्लाह के गिर्द तवाफ करने लगता है। गैरुल्लाह की पूजा, और गैरुल्लाह से मुराद हर वो बंदा, हर वो इंसान जो अल्लाह के अलावा हो और जिसे हम अल्लाह से बढ़कर चाहें, उसे क्या कहेंगे? गैरुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने आके पूछा अपनी कौम से कि आपने क्या किया? तो इंसानों की तरह, सब इंसानों की एक सोच है, फलां की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने इल्जाम उस पर डाल दिया सामने पे। सबब तो वो बना था, लेकिन शौक तो हर इंसान के पास अपना होता है ना। कहने लगे तो अखराजा फिर इसने निकाला लहू उनके लिए इजलन एक बछड़ा, जसदन मुजस्सम जिसका जिस्म भी था, लहू जिसकी थी खुआर गाय की आवाज। फकालू तो इन्होंने कहा हाजा यही इलाहुकुम इलाह है तुम्हारा, व इलाहुन और इलाह मूसा मूसा का, अनसिया बस फिर वो भूल गया। कौन भूल गया? मूसा। ये बात कल भी हमने पढ़ी थी ना कि उन्होंने क्या उसे पेश किया, ये जो गाय है इस तो आवाज भी आती है, असल में रब यही है,
मूसा का रब भी यही है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए इसको और कहीं और अपने रब को ढूंढने के लिए चले गए। आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अफला यरौना, क्या फिर नहीं वो देखते, अल्लाह गणेश नहीं या जी ओ वो लौटता इलैहिम तरफ उनके कौलन बात को, बला और नहीं यमलिकु वो अख्तियार रखता लहुम उनके लिए जर्रा किसी नुकसान का, बला और ना नफा किसी नफा का। ऐसी ही दलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को अपने वालिद के सामने पेश की थी। क्या पेश की थी, या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मा व ला युबसिरु व ला युग्नी अंक शैआ। सूरह मरियम में पढ़ के आए, मेरे बाप तू इस चीज की इबादत क्यों करता है जो ना सुनती है ना देखती है ना तेरे किसी काम आती है। सूरह मरियम आयत 42। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही दलाइल पेश किए और कहा कि तुम लोग ऐसी चीज की पैरवी करते हो, ऐसी चीज को पूछते हो जो ना सुनती है ना देखती है ना किसी नफा नुकसान की मालिक है। एक यूं समझे कि दांत के बने हुए बछड़े के बेजान मुजस्मे को सिर्फ आवाजों की वजह से महबूद समझते हो, हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कुशा समझते हो। मुजस्मा भी उस जानवर का तमाम जानवरों से सादा लो समझा जाता है, लो क्वालिटी, जो खुद इंसान का खिदमतगार होता है, जो इंसान के खाने के काम आता है, इंसान की सवारी के काम आता है। अब खुद सोचो इस मुजस्मे में जान आ भी जाए तो ये तो मुख्तार, खुद मुख्तार नहीं है, ये तो मुहताज है इंसानों के और इंसानों की खिदमत करता है। तो रब तो वो होता है सबसे आला होता है। जिसका नाम, जिसका जिक्र सबसे बुलंद होता है, जिसकी क्वालिटी सबसे बुलंद होती है। फिर क्या हुआ, फिर कहने लगे कि अब ये देखो ये कुछ भी फायदा नहीं हासिल कर सकता अपने लिए, चारा भी तुम इसको डालते हो ना, तुम्हारा फायदा दे सकता है तुम्हें ना नुकसान दे सकता है। तो बुत बछड़े का हो या इंसान का, चलने फिरने सुनने देखने हर चीज से आरी है। फिर वलकत, अलबत्ता तहकीक वाला कहा लहुम उन्हें हारून, हारून ने मैं कबलू इससे पहले। अच्छा जी, जो सवाल आपने पूछा है, सामरी एक आम जादूगर था या आदमी, इसकी ना तफसीर आएगी हमारी एक आयत के अंदर, जिसने सामरी ने कहा था कि मैंने क्यों इनको इस तरह से उबारा, तो उसमें हम देखेंगे कि उसने मतलब कहा कि मुझे कुछ नजर आया और मैंने उन चीजों को देखा और एक कुठी ली मिट्टी की और डाल दिया, वो उष्णमा बना दिया। तो उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो एक आम आदमी था या जादूगर था, उससे रिलेटेड जितनी भी कहानियां हैं उस आयत में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं उससे पहले पहले वलकत, अलबत्ता तहकीर औला कहा लहुम उन्हें हारून, हारून ने मैं कबलू इससे पहले, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो आकर उनको बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले उनके भाई हारून ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम
बड़े प्यार से बुलाया, अपनी तरफ निस्बत देकर उनको रिश्ता है याद दिलवाया कि मेरा तुमसे क्या रिश्ता है, मैं तुम्हारी कौन से हूँ, मेरी बात मानो। तो जब किसी को अपने साथ जोड़ा जाता है, निस्बत दी जाती है, तो उसके दिल में थोड़ी हया पैदा हो जाती है। बछड़ा बुत था, ठीक है, वो बुत था, सोने सोने से तांबे से बना हुआ था, उसके अंदर जान नहीं थी कि वो चारा खाए, बिल्कुल भी चारा कैसे खा सकता था, वो तो बेजान था। वो एक बुत बनाया था उन्होंने बछड़े का। तो हारून अलैहिस्सलाम ने उनको, और ये एक बात याद रखिए कि चूंकि लीडरशिप क्वालिटीज भी देख रहे हैं और मुबल्लिग के लिए इस्लाह के कवायद भी लिख रहे हैं, तो अगर आप में से कोई अलग से वो बना रहा है तो उसमें ये भी चीज लिखे कि आपने क्या करना है, तबलीग के सिलसिले में लोगों को अपनाइयत देनी। आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जरूर बनाए, आप सब ने इंशाल्लाह तबलीग के लिए निकलना, मतलब नहीं कि अपने अपने हुदूद के अंदर रहकर आपने अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को समझानी है, लोगों को सिखानी है, ठीक है। तो जो आपके आपको सुनने वाले आपके अंडर आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको आप अपना ये दें। देखिए कौम ने कितना बुरा काम किया था ना, ऐसे किया था ना बुरा काम, मूसा अलैहि सलाम को चीट किया, लहजा देखिए उनके भाई का, या कौमी ए मेरी कौम। तो आपके अंडर काम करने वाले लोग जितना भी आपको आपकी खिलाफ वर्जी करें तो आप क्या करें, उनको अपनाइयत दे, समझाएं अपनाइयत देकर। मूसा अलैहि सलाम ने भी हमेशा वही साहब को क्या कहा, या कौमी, पढ़ के सूरह बकरा के अंदर शुरू में जब गाय को ज़िबह करना था तब भी तो मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम को बड़ी अपनाइयत से पुकारते थे। तो आप अपने बच्चों को समझा रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, आप अपनी कजन्स को, हम फेलोज को समझा रहे हैं, तो किसी न किसी रिश्ते से उसको अपनाइयत दे, कोई भी लकब देकर उसको मेरी कह के पुकारे ताकि एहसास हो कि आप उसके, इससे अगले बंदे पर बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन जाता है, इससे बात सुनने वाले के लिए बात को सुनना आसान हो जाता है, उसका दिल वसी हो जाता है, उसके दिल में हमारे बारे में जो भी आई होती है ना बात खत्म हो जाती है। बाज़ुकात लोग समझते हैं कि हमें हर वक्त समझाते रहते हैं, ये अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं, जब आप आजीज होकर बच्चों को या लोगों को समझाते हैं तो वो बात आपकी सुनी जाती है। एक्सपीरियंस है, केसेस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 80% आपको अपनाइयत का रिजल्ट जरूर मिलता है। या कौमी ऐ मेरी कौम, इन्नमा, बेशक। दरअसल या कौमी असल में या कौमी था, मीम ज़ेड या मी, तो या हज़्फ़ हो गया हरूफ़ इल्लत है ना, उसमें से हरूफ़ इल्लत में से एक है, और उसका मीम के नीचे जो ज़ेर है वो ये बताती है कि मीम के आगे या थी। या कौमी ऐ तेरी कौम, या मुतकल्लिम, और या मुतकल्लिम का मतलब होता है मेरी। इन्नमा, बेशक, फुतिन तुम, आजमाइश में डाले गए तुम भी उसके जरिए, किसके जरिए, बच्चे के जरिए। वा इन्ना, और बेशक, रब्बकुम, रब तुम्हारा, रहमान, रहमान है। वत्तबिउनी, बस पैरवी करो मेरी, वा अतीउ, और इताअत करो अमरी, मेरे हुक्म की। अब देखे हारून अलैहिस्सलाम का तबलीग करने की का तरीका और तरतीब। पहली तरतीब अपनाइयत, पहली तरतीब क्या है, मोहब्बत, रिश्तेदारी याद दिलाना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कौम वालों को ये चीज का एहसास दिलाते थे। सूरह शौरा आयत नंबर 23 को आप देखें,
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. कहा मैं तुमसे इस पर कोई उज्रत नहीं मांगता मगर रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती। तुम मेरा रिश्तेदार हो तुमसे दोस्ती तलब करता हूँ, अजर मुझे नहीं चाहिए। और रिश्तेदारी का एहसास दिलाना अपनाइए। इससे बड़ा फायदा होता है, इससे लिहाज भी रहता है, हमें भी एक दूसरे का लिहाज रहता है और मोहब्बत भी पैदा होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप उनका क्या था, तौहीद की तरफ बुलाना कि तुम शिर्क में मुबतला हो गए हो, रब तो तुम्हारा रहमान है, उसकी बात मानो। और लास्ट पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम और अपनी नबूवत और मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत की वजह से अपने पीछे चलने और हुक्म मानने की तलकीन की, तो नसीहत की ये बेहतरीन तरतीब है। यहाँ पे एक चीज हमने याद रखनी है कि बहुत से जो शिया हजरात है वो नबी सल्लम की वफात के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बजाय अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा होने की दलील के तौर पर एक हदीस बयान करते हैं। वो हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, तुम मुझसे उसी मुकाम पर हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम से था, सवाए इस बात कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सही मुस्लिम में ये हदीस है। ये हदीस कह के बताया जाता है कि अल्लाह के नबी ने तो अपने बाद अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा था, तो फिर अबू बकर सिद्दीक उमर और उस्मान की खिलाफत के हम अगेंस्ट है, उनको नहीं मानते। अब देखें कि ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इतने मुखालिफीन के सामने हारून अलैहिस्सलाम जो है सबके सामने वाज़ अल्फाज में हक बयान करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी इताअत करो, फत्तबिउनी व अतीउ अमरी, सबके सामने, ताकि लोगों ने उनको कत्ल करने तक बात पहुंचा दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पैरवी करो क्योंकि मुझे जो है अपनी जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए। ठीक है, तो दूसरों की पैरवी और इताअत से मना किया उनको। तो अगर उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ी अल्लाह को खलीफा बनाने पर हताम पर होती तो अली रज़ी अल्लाह पर लाजिम था कि वो ही करते जो हारून अलैहिस्सलाम ने किया, ठीक है, ताकि बाकी लोग खिलाफत छोड़ देते। लेकिन उन्होंने खुले दिल के साथ उन तीनों खिलाफतों को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो इसलिए पता चला कि उम्मत का फैसला दुरुस्त था। क्योंकि अगर वाकई ही इस नीयत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की होती और उनको बताया था कि मेरे बाद तुमने ही यहाँ पे खड़े होने, ये अलग बात है कि बहुत सी ऐसी अहादीस हैं कि जिससे अंदाजा होता है कि अल्लाह के नबी ने इशारों में बता दिया था कि मेरे बाद ये खलीफा होगा, फिर ये भी, और ये अल्लाह की तरफ से चूज भी हुए। खैर, कुछ बातें ऐसी हैं जो दलील ऑथेंटिक है लेकिन उनकी तफसीर बड़ी जो है अपनी मनगढ़ंत समझाई जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि बस टेक्स्ट पढ़ लेने से आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपको कंटेंट कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बातें समझ आनी शुरू होंगी तो ही आप उसको हक तक पहुंचा सकते हैं। एक तो कुरान खुद पढ़ने से, दूसरा अहदीस, एक हदीस उसके साथ मिलती जुलती दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी है वो आपको पता हो, आयात पता हो, तो ये उस बंदे को पता होती है जो इल्म हासिल करता है, जो एक दिन विजिट कर लेता है और दो दिन सो जाता है फिर विजिट करने आता है तो उसको इल्म नहीं हासिल हो सकता। स्टूडेंट वही होता है, तालिबे इल्म वही होता है जिसके अंदर इस्तकामत हो, जो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखे, जो छोटी छोटी बात को अपने माइंड में फिक्स करे, लिखे, ताकि उसके एक लफ्ज भी जाया ना हो, जो संजीदा और सीरियस हो। तो आप अपनी अपनी संजीदगी और क्लास लेने के तरीके
इससे अंदाजा करें कि आप कितने सिंसियर हैं इस कुरान से। आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो टीचर का एक एक ग्लव्स आपने लिख रहा होता है, क्यों? क्योंकि टीचर उसमें से पेपर आपको देते हैं, कोई आपको बुक्स नहीं मिलती। आपने जो लेक्चर लिया उसी को देखना होता है। तो यही है कुरान, कि जो कुरान आपको दे रहा है उसी में से आपकी जिंदगी में इम्तिहान आते हैं। तो अगर अगर इम्तिहान आ गया और हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इसका जवाब तो अल्लाह ने कुरान में दिया है, फिर तो हम भटक जाएंगे ना। तो कुरान को आधा अधूरा लेना कफायत नहीं करेगा। या अय्युहल लज़ीन आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कालू, उन्होंने कहा, किन्होंने? जो कौम वाले थे, लन्ना वरह, हम तो हमेशा रहेंगे, आलिही उस पर आकिफीन, जम कर बैठने वाले। इतकाफ भी इसी से है ना, कैन काफा, जम कर बैठना। तो इतकाफ में भी हम बैठते हैं एक जगह से और हिलते नहीं। हत्ता, हिलने से मुराद की उस जगह पे, वो जगह आपकी आम रूटीन से थोड़ी हट के अलग मसाजिद के अंदर। अत्ता, यहाँ तक कि यह जिया लौट आए इलेना, हमारी तरफ मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम। तो क्या कहने लगे कि हम तो हमेशा इसी पर जमकर बैठने वाले हैं, हम तब तक इस जगह को, इस काम को नहीं छोड़ेंगे जब तक मूसा अलैहिस्सलाम ना जाए। ठीक है, ये भी एक एक्सक्यूज होता है बुराई ना छोड़ने का, कि अच्छा फला काम मेरा हो जाएगा ना तो फिर मैं शुरू कर लूंगी नमाज पढ़ना। इंशाल्लाह अगले महीने से मैंने नमाज शुरू कर दी। हर महीने की पहली तारीख, हर साल का पहला महीना और हर हफ्ते की सोमवार। हम यूँ समझते हैं कि इससे हमारी तकदीर शुरू होगी और पिछले खाते सारे डिलीट करवा देंगे हम और मंडे से शुरू करेंगे। वो मंडे आ जाता है, एक दिन करते हैं, फिर वो अगले मंडे का इंतजार करते हैं। फिर इसी तरह जिंदगी में कोई नया काम करना हो, शादी होनी हो, शादी के बाद इंशाल्लाह ये काम हम करेंगे, फलां चीज के बाद। तो तब्दीली आज से शुरू होती, अभी से, जिस वक्त आपको रियलाइज हो जाए यू आर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बाज़ुकात वक्त तो अच्छा आ जाता है लेकिन एहसास जुर्म खत्म हो जाता है। जब एहसास जुर्म होता है तो उस एहसास के तहत ही हम नेकी और बुराई को मुआजना करते हुए बुराइयों को छोड़कर नेकियों को ऐड करते हैं। इन्वायरमेंट का असर होता है, लेकिन अच्छा इन्वायरमेंट भी हो लेकिन एहसास जुर्म ना हो तो वो इन्वायरमेंट आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है? इन्वायरमेंट अच्छा होना ये भी उसी पर असरअंदाज होगा जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिसके दिल में लगन और शौक है। तो इसलिए क्या करना है, आज से ही शुरू करना है इंशाल्लाह। अपनी नेकियों को देखें, अपनी बुराइयों को देखें। ठीक है, एक्सक्यूजेस जिंदगी के अंदर जो आते हैं उन्हें छोड़ना बंद करना है। कौला, कहा, या हारून, ए हारून, अब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम शदीद गुस्से में आए अफसोस के साथ। आकर सबसे पहले पकड़े अपने भाई को, जो पीछे खलीफा जिसको छोड़ा था। कहा, या हारून, ए हारून, मां मना आकर, किस चीज ने मना किया तुझे? इस जब आई था हम, देखा तूने इन्हें, गल्लू के वो भटक गए। अल्लाह के ना तू पैरवी करे मेरी, अफ़ासी था, क्या फिर ना फरमानी की तूने अमरी, मेरे हुक्म की? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है, परेशान होता है कि मेरी इतनी देर की मेहनत पे पानी फिर गया, तो इंसान तहकीक के बगैर ही
सामने जो होते हैं ना उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और वैसे भी हमेशा याद रखिए, गुस्सा अपनों पे निकाला जाता है, जो आपके बड़े करीबी होते हैं, जिन पे आपको मान होता है, जिन पर आपको यकीन होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आके बड़ी सख्ती के साथ हारून अलैहिस्सलाम से बात करें कि मैंने तुम्हें सब समझा कर भेजा था, इधर रखा था, तो आपने क्यों नहीं उनको मना किया? क्यों नहीं उनको समझाया? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया कि हारून अलैहि सलाम ने कैसे, मैं पहले भी जो आयत हमने पढ़ी है उसमें भी हमने ये सीखा ना कि हारून अलैहि सलाम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मूसा अलैहि सलाम को इतना गुस्सा आया कि कौम को डांट डपट करने के साथ साथ इन्होंने शदीद गुस्से में तौरात की तख्तियों को फेंक दिया और हारून अलैहि सलाम का सर पकड़ कर अपनी तरफ खींचने लगे और कहने लगे, जब तुमने देखा कि ये गुमराह हो गए तो तुम्हें किस चीज ने रोका? मेरे पीछे चले आओ और आकर मुझे उनके गुमराह होने की खबर दे देते, मेरे पीछे आ जाते। कहा ना कि तुम्हें किस चीज ने रोका, क्यों ना तुमने मेरी फरमाबरदारी की या मेरी पैरवी की और मेरे पीछे ना आए। अब हारून अलैहि सलाम का जवाब देखे, कौला कहा, यबना उम्मा, ऐ मेरी माँ के बेटे, ये सुर में था या और इबना उम्मी, ठीक है, इकट्ठा मिलाकर अलीफ को या को अलीफ से बदलने के बाद हसब कर लिए गए, यबना उम्मा, ऐ मेरी माँ के बेटे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने मूसा अलैहि सलाम के दिल को नर्म करने के लिए अपनाइत का एहसास दिलाया, और अपनाइत ऐसे जैसे दिल नर्म होता है, बाप की बजाय माँ की तरफ नस्बत दी जाए तो कराबत ज्यादा महसूस होती है, शफकत, नरमी और प्यार, इस चीज का एहसास होता है, क्योंकि माँ बच्चों को ज्यादा मोहब्बत देती है और एक अपनाइत ज्यादा होती है, तो फिर माँ का एहसास दिलाना दिल को नर्म कर देता है। वैसे भी माँ से कुछ लोगों को ज्यादा मोहब्बत होती है, तो इस वजह से उन्होंने देखे फिर अपनाइत का, तो ये गुस्सा खत्म करने का। अब यहाँ पे आप देखें कि दो पार्टनर्स हैं, वो लाइफ पार्टनर हैं, वो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो क्लास फेलोज हैं, वो छोटा बड़ा है, तो अगर कोई आपको डांटे या परेशान, आप पे गुस्सा करे और आपने उसको जवाब भी देना, तो क्या तरीका है? अगर आपकी मदर है, ऐ मेरी माँ, या फिर ऐ मेरी बहन, तो अपनाइत के एहसास के साथ उसके गुस्से को, नीयत भी ये होती है इसको अपनाइत इसलिए दे रही हूँ ताकि इसका गुस्सा कम, मुझे यकीन जाने ये जो अपनाइत होती है ना, ये दिल जीत लेती है। कोई आपका अपना भी नहीं, ये आपका अपना भी नहीं, लेकिन उन लोगों के पास आपको बैठने को दिल करता है जो आपको प्यारी प्यारी प्यार भरे अलकाबात से नवाजते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको चापलूसी ना कहे, लोग तो मोहब्बत के भूखे होते हैं, तो आप लोगों को ना प्यार दिया करें, मोहब्बत दिया करें, अपने साथ अपनाइयत दिया करें। आज तो बड़े लकवात है, मेरी प्यारी बहन और प्यारी दोस्त, मेरी कुछ भी आप कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें इखलास हो, देख के चेक करें आपको, देखिए फीडबैक्स कैसे मिलेंगे और आपके साथ लोग मोहब्बत कितनी करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी को लोग कितना पसंद करेंगे। ये भी रिसेंटली 2 और 3 डेज पहले की बात है, कि एक्सपीरियंस है कि हम मतलब साफ एक्सपीरियंस से गुजरे कि दो लोग हैं, दोनों के अंदर नीयत अच्छी है, इखलास है, लेकिन एक अपनाइए देख के बात कर रही है और दूसरी एक तंज तनकी से, हालांकि नीयत अच्छी है लेकिन बात करने का अंदाज नहीं अच्छा। तो क्या हुआ, दिल चाहता है कि आइंदा उनसे बात ही ना कीजिए और उनसे बात कीजिए जो समझते हैं और जो अपना ये देते हैं। ठीक है, तो गुस्सा नेचुरल है, आ जाता है लोगों को, कि एहसास दिलाएं अपने साथ छोड़कर कोई भी है।
जो भी आपसे खफा है, कोई भी आपसे नाराज है, आप अगले के रिस्पांस को सोचे बिना अल्लाह की रजा के लिए, अब उनको नहीं पता था दाढ़ी पकड़ ली और सर पकड़ लिया, तो ये भी तो चलते ना उनके हाथ से, वो दोनों चीजें छुड़वाते और पीछे चढ़ते कहते कि मैंने एक तो आपके पीछे से इनकी तबलीग की, इनको समझाया, ऊपर से मुझे हाथी डांट रहे, ये भाई भी था नहीं, कहा ला तखुजना तुम पकड़ो बिलहयती मेरी दाढ़ी को, वला बिरसीला मेरे सर को, मेरे सर और मेरी दाढ़ी को छोड़ दो, इन्नी खशीतु बेशक मैं डरा, किस चीज से डरा, हारून अलैहिस्सलाम ने सफर जारी ना रखने का उजर क्या बयान किया कि ये लोग रास्ते में बछड़ा बनाकर वहीं बैठे रहने पर अड़ गए थे, तो अगर मैं तौहीद पर कायम लोगों को आपके पीछे ले आता तो आधे लोग इधर रह जाते, आधे साथ आ जाते, कौम दो हिस्सों में बट जाती, अगर मैं इन्हें लेकर बछड़ा पूजने वालों से लड़ता फिर भी दो पार्टीज बन जाती, एक लड़ने वाली और दूसरी हक के रस्ते पे, यानी एक बछड़े वाली और दूसरे तौहीद वाली, और एक दूसरे को वो कत्ल करते थे, शदीद दुश्मनी आ जाती, और फिर क्या होता, क्योंकि जो बछड़े वाले थे वो ज्यादा कवी थे, ज्यादा कुवत वाले थे, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल कमजोर समझा, इवन कि मुझे करीब से कत्ल कर देते, इसलिए मैंने आपके आने का इंतजार किया ताकि आप ये ना कहें कि बनी इसराइल में इसने, मेरे भाई ने फूट डाल दिया। ठीक है, आपके एहसानात, आपके मोजजात की वजह से इनके दिल में आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आकर मामला संभाल लेंगे। तो हारून अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम किया और हिकमत से जवाब दिया, इन्नी खशीतु बेशक मैं डरा, क्यों डरा, आम तकूल के तुम कहोगे फर्रक्ता तफरका डाल दिया तूने, बैन दरमियान बनी इसराइला बनी इसराइल के, अलम और ना तारकुब तुमने इंतजार किया कौली मेरी बात का। ठीक है, तो हारून अलैहिस्सलाम ने हिकमत से काम लिया, तो बाज़ूकात हालात आपके हाथ से हाथ बाहर होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, क्या करें कि जिसके अंडर आप हैं उसका वेट करें, उससे बात उस तक बात लेके जाए, कुछ चीजें आपसे नहीं हैंडल होती, उसके लिए लीडर को आगे आना पड़ता है, बहुत सी चीजें आपसे हैंडल हो जाती है लेकिन कुछ नहीं होती, तो आपके जब भी आप लीडर हैं या लीडर के अंडर काम कर रहे हैं, लीडर के हवारी हैं, तो जैसे ये हारून अलैहिस्सलाम ने किया था कि कौम के अंदर फूट ना डले, लोग एक ही रहे, यकजहत दो पार्टीज ना बने, उसके लिए उन्होंने हिकमत से काम लिया, प्यार से समझाया, इसलिए एक लीडर को सबके सामने तरफदारी नहीं करनी चाहिए, किसी एक हक बयान करना चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी क्लैशेस जब आते हैं तो हक भी समझ नहीं आती, तो हक को बयान करें, शुरू में इब्तदा में लोगों को समझाने की कोशिश करें। अब ये होता है कि कुछ लोग पता क्या करते हैं, वोट लेने के लिए, सबको अपने साथ लगाने के लिए क्या करते हैं, गलत से गलत काम भी कर लेते हैं, बिदती और मुशरकाना काम भी कर देते हैं, कब्रों पर चादरें भी चढ़ा देते हैं, उनको क्या कहते हैं कि लोगों को अपने साथ रखने के लिए अगर शिर्क को भी बर्दाश्त करना पड़े तो कर लेना चाहिए, मगर फूट डालकर सीट जाया करने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत है। देखिए, हारून अलैहिस्सलाम ने शिर्क के मुकाबले में किसी नरमी या समझौते से काम नहीं लिया था, इन्होंने साफ अल्फाज में शिर्क की तरदीद की थी, तौहीद की तबलीग की थी, अपनी इत्तबा और इताअत की ताकीद की थी। अगर वो तौहीद के बारे में बात ना करते तो उनकी कौम उनको कत्ल करने तक ना पहुंचती। हालात उन्होंने देखकर मूसा अलैहि सलाम की आमद तक इंतजार किया था कि वो आएंगे तो फिर हम मिलकर जिहाद करेंगे इनके साथ, लेकिन उन्होंने साफ गोई के साथ जो है बताया था कि आप गलत कर रहे हैं, इसलिए वोट लेने के लिए या सीट बचाने के लिए कोई भी गलत काम जायज नहीं होता।
कहा फमा तो क्या है, खत्ब का मामला तेरा या सामरी। ए सामरी, ए सामरी तेरा क्या मामला है। अब आपने गौर किया सामरी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कितने नॉर्मल अंदाज में बोल रहे हैं, और इसके बरक्स अपने भाई के साथ बड़े गुस्से से बात कर रहे। तो इससे पता चलता है कि अपनों पे गुस्सा ज्यादा आता है, और अपनों के माकूल उजर बताने के साथ ही गुस्सा खत्म, दिल का मलाल भी खत्म हो जाता है, लेकिन उनके लिए दुआ निकलती है। जैसे हारून अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, सूरह इराफ आयत 151, रब्बि फिर ली वली अखी अदखिलना फी रहमतिका वअंता अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे मेरे भाई को बख्श ले और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। इसके बरक्स जो गैर होते हैं, क्योंकि उनकी बददियानती बदनीयती का पता होता है, तो उनके साथ सवाल शिद्दत से नहीं होता, उनका उजर सुन के उनको बता दिया जाता है कि आपके साथ क्या होगा, क्या सजा होगी। इसकी मिसाल यूं देखें कि जंगे तबूक में तीन मुखलिस मुसलमानों ने लश्कर से पीछे रहने की वजह बताई, तो उनसे बाइकॉट कर दिया गया, उनको माफी ना मिली, उनको सजा दी गई। इसके नतीजे में उनके इखलास और इमानत की बदौलत उनकी तोबा कबूल हुई, और कुरान उनके लिए हमेशा जिक्र रख दिया गया। इसके बरक्स मुनाफिकीन ने अपना उजर बयान किया, उनका उजर बज़ाहिर कबूल कर लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी जंग में जाने की इजाजत नहीं दी गई, उनका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उनकी कब्र पर खड़े होकर खड़े होने से मना कर दिया गया, और आखिर में उनके लिए बदतरीन अजाब। तो जिन पे गुस्सा किया जाता है उनको हम माफ़ कर देते हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि जो गैर होते हैं, जो जिनसे थोड़ा तल्लुक डिस्टर्ब हो जाता है, फिर इंसान फॉर्मेलिटी का रिश्ता उनसे निभाता है, उनकी सजा यही होती है कि भाई यमुद तो हम फिर तो या नहीं मियां मारो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाह व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।